हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है 24 सितंबर। 24 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए SSC, रेलवे, UPSC, बैंक, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों के लिए आपका करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका जो CGSI का एग्ज़ाम है, 6 नवंबर को एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो CGSI में जो सिलेबस में आपका 16 नंबर से क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो कि अच्छा कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स डेली पढ़ के। तो 16 नंबर का करंट अफेयर्स आपका आना है, तो 16 नंबर पहुँच जाता है, जो कि आपका स्कोरिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए मन लगा कर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे टाइम दीजिए और रिविज़न करिए, ताकि एग्ज़ाम में जो कि आपको कन्फ्यूज़ मत हो। तो अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाता है, अगर आपको कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन 4 रहता है और हम सही की जगह गलत लगा के आ जाते हैं, तो सब हमको कन्फ्यूज होता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो 20 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व राइनो दिवस जो कि 22 सितंबर को मनाया जाता है, यह जो कि विश्व भर में जो कि यह राइनो दिवस को 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका वो मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो कि हर इसको जो कि हर साल पूरे विश्व भर में जो कि 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस या वर्ल्ड राइनो डे जो के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से जो गैंडों के सभी जो 5 मौजूदा प्रजातियाँ हैं, इनके रक्षण के लिए और मुख्य रूप से इनके जो कि इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। और यहाँ पर जो राइनो गेंडा की जो प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति के कगार में है, इसलिए उनके बचाव के लिए यहां पे जागरूक करने के लिए विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली, धर्मशाला, इम्फाल, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इम्फाल में जो कि पहली फ्लोटिंग फोटो जो कि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही मणिपुर के जो कि विष्णुपुर जिले के जो कि लोकतक झील में पहली बार जो कि फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, जो कि यहाँ पे जो रिटायरमेंट जो कर्मचारी उन लोग इसमें इसमें जो कि फ्लोटिंग प्रदर्शनी में भाग लेंगे। इसमें जो कि इसके जो इसका उद्घाटन केंद्रीय विदेश और जो शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर RK रंजन जो कि इसका उद्घाटन किए हैं। यहाँ पे बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, एन बीरेन सिंह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्री लाल गणेशन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आपके मणिपुर के इम्फाल में किया गया स्टार्ट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के पुलिस के कमांडो भारतीयों को प्रशिक्षित करेगी? तो हरियाणा, असम, जम्मू कश्मीर, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में असम के जो भारतीय जो सेनाओं को जो कि असम राज्य सरकार द्वारा पुलिस जो कमांडो को यहाँ पे भर्तियों को जो कि प्रशिक्षित करेगी। तो हाल ही में जो भारतीय सेनाओं ने जो कि यहाँ पे जो असम के जो पुलिस कर्मचारियों को जो कि कमांडो द्वारा भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी। तो यहाँ की बात करते हैं हम असम की। तो असम की जो राजधानी है दिसपुर, ए हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो एडेन मार्करम, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद रिजवान, डी है, इनमें से कौन है? तो हाल ही में जो ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में जो कि मोहम्मद रिजवान जो कि शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो बल्लेबाजी रैंकिंग में जो कि जो मोहम्मद रिजवान है जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं, तो जो कि यहाँ शीर्ष स्थान पर है ICC T21 में बल्लेबाजी रैंकिंग में। तो इसका सी ऑप्शन मोहम्मद रिजवान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया? तो असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, डी है, इनमें से कोई। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो कि तमिलनाडु में अधिसूचित किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने जो कि मन्नार के खाड़ी और पाक खाड़ी में जो कि डुगोंग के लिए भारत के पहले जो कि संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो यह जो जंतु जीव है, तो समुद्री जो जीव हैं जो कि विलुप्ति के कगार में हैं, इनके संरक्षण के लिए जो कि यह कदम उठाया जा रहा है। तो निर्णय लिया गया है कि इनके संरक्षण के लिए यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में
डुंगोंगली भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना यहाँ पे किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जो कि गुंगोंग संरक्षण रिजर्व जो कि अधिसूचित किया है तमिलनाडु सरकार ने किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्री आर एस एन रवि जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वोलेरी पालापो का निधन हुआ है तो कौन थे? तो अंतरिक्ष यात्री, पत्रकार डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अंतरिक्ष यात्री हैं वोलेरी पालापो जिनका निधन हुआ है तो पेशे से एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया गया है? तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र डी है, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो कि जो अपनी पुलिस जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी जो आकस्मिक छुट्टियों को यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो इनको छुट्टियों को यहाँ पे जो कर्मचारी हैं पुलिस उनको छुट्टियों को बढ़ाया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, उद्धव ठाकरे वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो रक्षा मंत्रालय है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा और आपका HDFC बैंक के साथ जो कि MOU पर हस्ताक्षर किया गया। तो बात करते हैं यहाँ पे HDFC बैंक की, इसके फाउंडर है, इसको जो कि स्थापना किया है अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो जो इसके वर्तमान में जो कि अतनु चक्रवर्ती वर्तमान में यहाँ के चेयरमैन हैं, इसको जो कि मुख्य रूप से आशीष धरन जो कि जगदीशन है वर्तमान में HDFC बैंक के CEO है। तो हाल ही में जो HDFC बैंक ने हाल ही में बैंक ऑन व्हील्स नामक एक पहल शुरू किया गया जो कि बैंक रहित स्थानों पर जो कि बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने जाएगी अपने HDFC बैंक। हाल ही में करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया है? तो UNEP, टाटा पावर, रिलायंस या डी है, इनमें से। तो हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने आपके UNEP के साथ जो कि समझौता किया है। तो यहाँ पे NCC की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्स, जो कि राष्ट्रीय कैडेट कोर इसका जो कि फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जुलाई 16 को इसकी स्थापना 1948 में की गई है। इसका मोटो एकता और अनुशासन इसका मोटो है। तो याद रखें, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने आपके UNEP के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं UNEP का, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करते हैं, जो कि पर्यावरण के मुद्दों पर यह जो कि फैसला लेता है। यहाँ पर हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, इसका जो कि हेडक्वार्टर है UNEP का, और इसकी स्थापना जो कि 5 जून 1972 को जो कि इसकी स्थापना की गई है। वन डे एग्जाम में पूछा जाता है UNEP की स्थापना दिवस, तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना किया गया है। और फुल फॉर्म भी बताया मैंने, फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसके फाउंडर जो कि मैरी सो स्ट्रॉन्ग जो कि इसके फाउंडर हैं, इसके वर्तमान में जो हेड हैं इंगर एंडरसन जो कि वर्तमान में इसके हेड हैं UNEP की। तो हाल ही में तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC ने UNEP के साथ जो कि यहाँ पे समझौता किया गया, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज जो भारतीय कौन बने हैं? तो प्रसन्न कुमार, एलवी सली, प्रवीण छावड़ा या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नॉर्थ चैनल को जो तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज जो भारतीय बने हैं एलवी सली, तो एल्विस अली मुख्य रूप से इनका फुल फॉर्म जो फुल नाम है इनका एल्विस अली हजारिका इनका नाम है, और जो कि एक तैराकी हैं जो कि नॉर्थ चैनल में तैरने वाले असम के रहने वाले हैं, सबसे उम्र दराज जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष के हैं, जो कि नॉर्थ चैनल को जो कि पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं सबसे उम्र दराज। तो एल्विस अली इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि असम के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अडानी पार्ट्स को किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपये के ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? तो आप गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अडानी पार्ट्स को जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में जो कि 25 करोड़ रुपये की जो कि ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल,
तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, ममता बनर्जी हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जगदीश धनखड़ जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। पश्चिम बंगाल में जो कि 25 करोड़ रुपये के ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है, तो कौन सी कंपनी को मिला है, तो अडानी पोर्ट्स को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी ने जो कि 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो 7.8%, 0.7%, या 8.4%, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एडीबी ने 2022-23 के लिए जो कि भारत की जीडीपी विकास दर जो कि 0.7% जो कि इसका अनुमान लगाया है एडीबी ने। तो एडीबी की बात करते हैं, तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर अभी फिलीपींस में है। इसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में मस्तागु अस्कावा वर्तमान में एडीबी के जो कि प्रेसिडेंट हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। तो याद रख, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 0.07% जो कि भारत की जीडीपी विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके आगामी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पीएम कैश फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया, तो रतन टाटा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, डी है इनमें से। तो हाल ही में जो पीएम कैश फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है रतन टाटा को, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रतन टाटा को पीएम कैश फंड का नया ट्रस्टी इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हो, हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, डी है उत्तराखंड। तो हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया, तो कहाँ किया है, तो तमिलनाडु में किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं हम तमिलनाडु की, तो यहाँ की जो राजधानी है चेन्नई, एम के स्टालिन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, श्री आर एन रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इसरो की, तो यहाँ पे बात करते हैं इसरो की, जो इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका फुल फॉर्म होता है बोला जाता है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, संस्थापक विक्रम भाई अम्बालाल सारा भाई जो कि इसके संस्थापक की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था। इसके जो वर्तमान में जो कि श्रीधरन जो कि पुनिकर सोमनाथ वर्तमान में इसके जो कि चेयरमैन हैं, तो के सिवान के जगह जो कि इसके नए जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, तो इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं, याद रखिएगा, जो कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना किया गया था। तो इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण तमिलनाडु में किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए जो कि संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है भारत ने, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो भारत को जो कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए इसको जो कि संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका नवंबर में एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगाइए। तो चलिए बस आज के लिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। थैंक यू।